हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंश के इन फ्रॉम माइंड। गाइस, आप इस चैनल पर डेली जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स पाते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, आज की वीडियो में एक बार फिर से बहुत ही कमाल की जॉब रिक्रूटमेंट हम लेकर आए। गाइस, यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से अनदर जॉब रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पर गाइस, इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको कोई भी कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच से हो, किसी भी बैच के कैंडिडेट्स हो, चाहे किसी भी ईयर में पास आउट हुए हो, चाहे आप बीटेक, एमई, एमटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, तो अपने डिग्री के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर गाइस, कोई भी कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो जॉब रिक्रूटमेंट है ये जूनियर प्रोजेक्ट एनालिस्ट के पोस्ट पर जॉब रिक्रूटमेंट आई है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में ही आपकी स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप इसी जॉब रिक्रूटमेंट को क्रैक कर सको। पूरी बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस पर्टिकुलर जॉब की रिकॉर्डिंग और अप्लाई करने के प्रोसेस को भी हम वीडियो के एंड में आपको डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस तरह के जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, जैसे कि इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर के सारी चीज़ों को इजीली चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से ऑफिशियल कैरियर साइट पर जॉब रिक्रूटमेंट है, कोई भी फेक जॉब रिक्रूट नहीं है, आपको अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल जेन्युइन जॉब रिक्रूटमेंट है। कैपजेमिनी के ऑफिशियल कैरियर पेज पे जॉब रिक्रूटमेंट आई है जूनियर प्रोजेक्ट एनालिस्ट के पोस्ट पर। यहाँ पर गाइस जो आपकी जॉब रिक्रूटमेंट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के पोस्ट पर होने वाली है। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पर 0 to 6 ईयर्स ओनली है, मतलब कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको इस फील्ड में 6 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन आपकी जो है मुंबई एंड बैंगलोर हो सकती है, तो इन दोनों जगहों में से कोई एक पर्टिकुलर आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। क्वालिफिकेशन गाइस, यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ग्रेजुएट मैंडेटरी रही है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रेजुएट के कैंडिडेट्स हो तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो आपकी रेफरेंस आईडी है वो 447804 है इस पर्टिकुलर जॉब रिक्रूटमेंट के लिए। पोस्टेड डेट जो है वो 15 मार्च 2020 है और आज की डेट जो है गाइस वो 2021 के अप्रॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपको लेट ना हो अप्लाई करने में। एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा है, लेकिन आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस 0 to 6 ईयर मेंशन है। तो इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए इसके बारे में बात लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पीएमओ यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर में एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में आपको नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपको रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग में भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए अगर आप इस जॉब में ट्राई करना चाहते हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो इन फील्ड में आप गूगल के थ्रू नॉलेज ले सकते हो, बेसिक नॉलेज, ताकि आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सको। यहाँ पर गाइस किसी भी रिपोर्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए। एक्सेल शीट पर भी आपको वर्क करने आना चाहिए, क्योंकि इस जॉब रिक्रूट में आपको एक्सेल शीट पर वर्क करने को मिल सकता है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो रिटन एंड ओरल दोनों भी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पर जो प्राइमरी स्किल्स है यहाँ पर मैंडेटरी है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। जॉब लोकेशन ऐसा कि हमने बताया आपको बेंगलोर एंड मुंबई दो सिटीज़ में होने वाली है, जिसमें आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल्स भी दी गई है, तन्वी तसेते ही के आवास आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, और आप इजीली अप्लाई कर लेना अगर आप इस जॉब रिक्रूटमेंट इंटरेस्टेड हो। तो जूनियर प्रोजेक्ट एनालिस्ट के पोस्ट पर जॉब रिक्रूटमेंट आई है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके लिए सीनियर प्रोजेक्ट एनालिस्ट के लिए जॉब रिक्रूटमेंट हो जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए गाइस यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का एक बटन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऑफिशियल पेज पर चले जाओगे, जहाँ पर आपको अपने डिटेल को एंट्री कर लेना है। तो अगर आपके पास कैपजेमिनी की लॉगिन आईडी है तो अपने लॉगिन आईडी के बेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस चैनल का मेंबर हो गए तो अभी तक आपको लॉगिन आईडी हो गई होगी, अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप इजीली एक नया अकाउंट क्रिएट करके भी लॉगिन करके इजीली जॉब रिक्रूटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। आई होगा वीडियो में सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो में अगर स्ट्रीम कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस तरह के जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है इस वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।